मुझे प्रातः काल अपना प्रेम दिखा, मैं तुझ पर भरोसा रखता हूं, मुझे सन्मार्ग की शिक्षा दे, क्योंकि मैं अपनी आत्मा को तेरी ओर अभिमुख करता हूं। प्रभु, तू प्रातः काल मेरी पुकार सुनता है, मैं प्रातः अपना चढ़ावा सजाता हूं और प्रतीक्षा करता रहता हूं। तेरी शिक्षा मुझे ज्योति प्रदान करती और मेरा पथ आलोकित करती है। आज का पवित्र वचन 13 सितंबर 2018 पहला पाठ, कुरुंथियों के नाम, संत पौलुस का पहला पत्र, अध्याय 8, पद संख्या 1-7, 11-13 तक। हम सबको ज्ञान प्राप्त है या मानी हुई बात है, किंतु ज्ञान घमंडी बनाता है, जबकि प्रेम निर्माण करता है। यदि कोई समझता है कि वह कुछ जानता है, तो वह अब तक यह नहीं जानता कि किस प्रकार जानना चाहिए। किंतु यदि कोई ईश्वर को प्यार करता है, तो वह ईश्वर द्वारा अपनाया गया है। देवताओं को अर्पित मांस खाने के विषय में हम जानते हैं कि विश्व भर में वास्तव में किसी देवी देवता का अस्तित्व नहीं है। एकमात्र ईश्वर के अतिरिक्त कोई और ईश्वर नहीं है। यद्यपि भले ही आकाश में या पृथ्वी पर तथाकथित देवता हो, और सच पूछिए तो इस प्रकार के बहुत से देवता और प्रभु हैं, फिर भी हमारे लिए तो एक ही ईश्वर है, वह पिता जिससे सब कुछ उत्पन्न होता है और जिसके पास हमें जाना है, और एक ही प्रभु है अर्थात ईसा मसीह, जिनके द्वारा सब कुछ बना है और हम भी उन्हीं के द्वारा। परंतु यह ज्ञान सबको प्राप्त नहीं है। कुछ लोग हाल में मूर्ति पूजक थे, वे वह मांस देवता को अर्पित समझकर खाते हैं और उनका अंतकरण दुर्बल होने के कारण दूषित हो जाता है। इस तरह आपके ज्ञान के कारण उस दुर्बल भाई का विनाश होता है जिसके लिए मसीह मरे। भाइयों के विरोध इस प्रकार पाप करने और उनके दुर्बल अंतकरण को आघात पहुंचाने से आप मसीह के विरोध पाप करते हैं। इसलिए यदि मेरा भोजन मेरे भाई के लिए पाप का कारण बनता है, तो मैं फिर कभी मांस नहीं खाऊंगा। कहीं ऐसा ना हो कि मैं अपने भाई के लिए पाप का कारण बन जाऊं। यह प्रभु की वाणी है, ईश्वर को धन्यवाद। संत लूकस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का सुसमाचार, अध्याय 6, पद संख्या 27-38 तक। मैं तुम लोगों से जो मेरी बात सुनते हो कहता हूँ, अपने शत्रुओं से प्रेम करो, जो तुम से बैर करते हैं उनकी भलाई करो, जो तुम्हें शाप देते हैं उनको आशीर्वाद दो, जो तुम्हारे साथ दुर्व्यवहार करते हैं उनके लिए प्रार्थना करो, जो तुम्हारे एक गाल पर थप्पड़ मारता है दूसरा भी उसके सामने कर दो, जो तुम्हारी चादर छीनता है उसे अपना कुर्ता भी ले लेने दो, जो तुमसे मांगता है
उसे दे दो, और जो तुमसे तुम्हारा अपना छीनता है उसे वापस मत मांगो। दूसरों से अपने प्रति जैसा व्यवहार चाहते हो तुम भी उनके प्रति वैसा ही दिया करो। यदि तुम उन्हीं को प्यार करते हो जो तुम्हें प्यार करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी अपने प्रेम करने वालों से प्रेम करते हैं। यदि तुम उन्हीं की भलाई करते हो जो तुम्हारी भलाई करते हैं तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पापी भी ऐसा करते हैं। यदि तुम उन्हीं को उधार देते हो जिनसे वापस पाने की आशा करते हो तो इसमें तुम्हारा पुण्य क्या है? पूरा पूरा वापस पाने की आशा में पापी भी पापियों को उधार देते हैं। परंतु अपने शत्रुओं से प्रेम करो, उनकी भलाई करो, वापस पाने की आशा ना रख कर उधार दो, तभी तुम्हारा पुरस्कार महान होगा और तुम सर्वोच्च प्रभु के पुत्र बन जाओगे, क्योंकि वह भी कुदनियों और दुष्टों पर दया करता है। अपने स्वर्गीय पिता जैसा दयालु बनो, दोष ना लगाओ और तुम पर भी दोष नहीं लगाया जाएगा। किसी के विरुद्ध निर्णय ना दो और तुम्हारे विरुद्ध भी निर्णय नहीं दिया जाएगा। क्षमा करो और तुम्हें भी क्षमा मिल जाएगी। दो और तुम्हें भी दिया जाएगा। दबा दबा कर, हिला हिला कर भी भरी हुई, ऊपर उठी हुई पूरी की पूरी नाप तुम्हारी गोद में डाली जाएगी, क्योंकि जिस नाप से तुम नापते हो उसी से तुम्हारे लिए भी नापा जाएगा। प्रभु का सुसमाचार। क्रिस्त की जय।